टीओआई का एक आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यू में ये किनका है, एम्स के जो चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा है, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड मेजर कोज बिहाइंड द ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब हमारी हम क्या कर सकते हैं कोरोना से बचे, इधर कुआं उधर खाई। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टीरोइड इस्तेमाल हो रहा है और वही स्टीरोइड हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है और उसी वजह से हम लोग ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इधर कोरोना से बचें तो उसके लिए स्टीरोइड लेना पड़ेगा, स्टीरोइड का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह से स्टीरोइड को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टीरोइड लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो वहां पर ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ेगा अगर हमने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो, समझ रहे हो। तो डॉक्टर क्या कहते हैं जरा समझिए, कहते हैं पेशेंट हु आर गिविंग स्टीरोइड जो पेशेंट है जिनको कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट के लिए स्टीरोइड दिया गया है वो एक्चुअली अभी फंगस के शिकार हो रहे हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और एनी अदर डिजीज, आप कोई भी डिजीज के लिए बहुत बार होता है कि हम लोग स्टीरोइड बॉडी में स्टीरोइड दिया जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस वो लोग इस ब्लैक फंगस का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। अब जरा समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और मान लीजिए किसी और वजह से आप बीमार हो गए और आपको स्टीरोइड दिया गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हो।